लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसके घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ये सामने आई। अब सवाल ये है कि एक तरफ 10 साल से मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ न्याय की बात हो रही है, जनता किस ओर कदम रखेगी। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में एससी एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने का भी वादा किया गया। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पूरी चार्जशीट विपक्ष को पकड़ा दी, इसलिए वो घबरा गए हैं। उनको लग रहा है कि 400 पार की बजाय 160-180 सीटें हो गई तो नैया पार हो जाएगी। जो हिंदुस्तान चाहता है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिख जाएगा। घोषणा पत्र में कई तबकों के लिए अलग अलग तरह की गारंटियां दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण दिए जाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने पर बिना किसी भेदभाव के सभी जाति समुदाय के लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। आगे इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं जो कि मोदी की गारंटी से अलग है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अहम बातें, केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद है उन्हें भरा जाएगा। राजस्थान की चिरंजीवी योजना की ही तरह पूरे देश में 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे देश भर में करवाया जाएगा। डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रेजुएट कर चुके युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेजेंटेशनशिप मुहैया कराई जाएगी। पेपर लीक होने के मामले में निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों की आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए फंड मुहैया करवाए जाएंगे ताकि 40 साल से कम उम्र के लोग अपना कारोबार शुरू कर सके। डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझाते हुए क्लास 9 से क्लास 12वीं तक के स्टूडेंट्स को फोन मुहैया कराए जाएंगे। 21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की योजना शुरू की गई है। मां लक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवार को बिना शर्त 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। ये राशि घर की महिलाओं को दी जाएगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रसोइये के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप करने वाले कानूनों को रद्द किया जाएगा। सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। मतदान ईवीएम के जरिए होगा, लेकिन मतदान मशीन से निकली मतदान पर्ची को वीवीपैट में रख और जमा कर सकेंगे। चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार बार खुफिया विफलताओं की जांच की जाएगी। मीडिया के संविधान के तहत हासिल आजादी दिलाने में मदद की जाएगी। सेंसरशिप लगाने वाले कानूनों को वापस लिया जाएगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी 3 साल के भीतर भर दी जाएंगी। अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लौटेगी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर यूपीए सरकार के आदेश को लागू किया जाएगा। सत्ता में आने पर जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा फौरन बहाल किया जाएगा। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए उपराज्यपाल सेवाओं समेत सभी मामलों पर एनसीटी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता पर सलाह पे काम होगा। तो ये पूरे वादे और दावे हैं। आइए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा कांग्रेस ने वो आपको सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और इस पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने काफी कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल ने हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को
और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। I agree with what Mr. Chidambaram ji said, but this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for two or three large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people. देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ये सामने आई, बीजेपी ने घोषणा पत्र पर कांग्रेस को घेर लिया। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। पीएम मोदी ने भी राजस्थान के चुरू में चुनावी सभा के दौरान कहा, बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी ने घोषणा पत्र में इस्तेमाल हुई तस्वीरों पर कांग्रेस को घेरते हुए दावा किया कि तस्वीरें विदेश की हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अब 1,00,000 रुपए महिलाओं को हर साल देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि 72,000 रुपए देंगे। कांग्रेस शासित कितने राज्यों में दिए हैं? त्रिवेदी बोले कि कितनी मजेदार बात है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र को न्याय नाम दिया है। आप मान लीजिए कि 55 साल तो अन्याय किए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है और अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हालांकि इस गठबंधन के तहत कई राज्यों में इनके सहयोगियों के बीच ही मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ 10 साल से मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ न्याय की बात हो रही है, जनता किस ओर कदम रखेगी, ये महत्वपूर्ण है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।